नमस्ते मित्रों, दिल्ली की काम की बात पर आज के अध्याय में जिसको हम दो पार्ट में करेंगे, शिक्षा की बात करते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसमें एक सिसोदिया उनके एक शिक्षा मंत्री हैं और इनकी एक बड़ी नामी गिरामी जिनका बड़ा नाम लिया जाता है, मैडम मार्लिन एक इनकी कंसल्टेंट हैं, कि पता नहीं साहब क्या पहाड़ खोद डाला इन्होंने शिक्षा में, ऐसा कर दिया, अभूतपूर्व कर दिया। और मैं इस वीडियो से आपके एक तो ठीक से जानकारी देखते हैं क्या ये लोग क्लेम करते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया शिक्षा में, क्या सही में हकीकत है। और जिस सरकार के साथ बार बार ये कहते हैं ना, क्योंकि आपको याद होगा 2-3 दिन पहले केजरीवाल ने तो ये भी कहा था कि 70 साल दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ, तो अब तो बाजी है पहली सरकारों ने क्या किया उसके साथ, इसकी तुलना करें। तो इस वीडियो में हम केवल कितने बच्चे इनके स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या रिजल्ट आता है जिसकी ये बड़ी डींगे मारते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, इन्होंने तो ये कहा है कि हमने बजट भी 2-3 गुना कर दिया है, तो 10 रुपया खर्च करने की जगह 25 रुपये खर्च करने में क्या आप कर पाए हैं, जरा उसका विश्लेषण कर लेते हैं साहब। पहली चीज तो इन्होंने, और इसमें मैं सीधे सीधे आप सबके सामने कहता हूं, ये जो मीडिया है ना, इससे बिल्कुल खतरनाक रहिएगा, चाहे अंग्रेजी का मीडिया हो चाहे हिंदी का हो, जो बहुत तारीफ इनकी शिक्षा की कर रहे हैं, क्योंकि ये सब पैसे के कारण कर रहे हैं। क्योंकि कभी आपने किसी टीवी मीडियम ने आपको ये बताया था कि साहब शीला दीक्षित जी की सरकार के अंदर में जब 12वीं क्लास के रिजल्ट आया करते थे, जब वो बनी थी मुख्यमंत्री, तो दिल्ली में केवल मेरे ख्याल से 12वीं में शायद क्या कहते हैं 65-67% के करीब परसेंट बच्चे पास हुआ करते थे, केवल 70%। और जब शीला जी को हराया आप लोगों ने, तो वो 70% का आंकड़ा 90% पे पहुंच गया था। अगर वही सतत चलता रहता ना, तो ये लोग जो आज 94% की बात कर रहे हैं, तो 2-3 साल पहले मिल जाना चाहिए था। अरे एक सरकार 20-25% रिजल्ट आगे ले गई, लेकिन कोई ढिंढोरा नहीं पीटा। आपने बजट दुगना कर दिया 12वीं में और केवल 3-4% बढ़ा पाए, और वो भी तब केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, मैडम मार्लिन जी, जब आप कहते हो कि प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में बच्चे आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में बच्चे आ रहे होते, तो शीला जी के समय 12वीं में करीबन 1,70,000, 1,50,000, 1,60,000 बच्चे इम्तहान देते थे, आज वो गिर के 1,30,000 पर क्यों आ गए? न केवल बच्चे जो इम्तहान दे रहे हैं वो कम हैं, बल्कि दिल्ली सरकार में जितने बच्चे हैं ना, वो शीला जी के समय से भी आज कम हो गए। और ये मैं बड़ी भारी रिपोर्ट का आपको हवाला देता हूं, जब शीला जी को हराया था आप लोगों ने, तो करीबन 16 लाख बच्चे थे दिल्ली सरकार के स्कूलों में, आज वो घट के 15 लाख से भी कम हो गए। तो दो बड़े झूठ, एक तो कि इतना पैसा बढ़ा के हैप्पीनेस क्लास करके लोगों को विदेशों में पढ़ा के हमने 12वीं का रिजल्ट अभूतपूर्व कर दिया, और दूसरा ये कि बच्चे तमाम स्कूल छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। अरे तमाम स्कूल छोड़ छोड़ के आ रहे होते तो दिल्ली सरकार में तो बच्चे बढ़ने चाहिए थे ना, क्योंकि 5 साल में तो आबादी भी तो बढ़ गई है। ये दो महा बड़े झूठ और फरेब इस आम आदमी पार्टी सरकार के। एक और बहुत बड़ा फरेब, बार बार कहते हैं साहब पहली बार केजरीवाल सरकार के अंदर प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छा किया दिल्ली सरकार के स्कूलों ने, वो भी सरासर झूठ। सबसे पहली बार प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छा किया था दिल्ली सरकार के स्कूलों ने 2009 में और उसके बाद 2010 में, जब वो सरकार थी जो ढिंढोरा नहीं पीटा करती थी शिक्षा का, पैसे देके, इश्तहार देके, ये जो टीवी चैनल है ना, इनसे बुलवाया नहीं करती थी। तो एक पहली चीज तो मेरा आरोप यह कि 12वीं में जो आपने किया है उसमें कुछ खास नहीं किया है, केवल पैसा बर्बाद किया, हो सकता आप लोगों की जेब में गया। अब एक और भी जरूरी चीज पर हम लोग आते हैं, बाकी चीजें तो अगले वीडियो में करेंगे, 10वीं क्लास। और भाइयों बहनों, 10वीं क्लास इसलिए जरूरी है क्योंकि 10वीं क्लास वो जगह है जहां बच्चा सही में शिक्षा पाता है, 11वीं 12वीं दूसरा होता, बच्चे का अपना विकास 10वीं क्लास तक होता है। जब शीला जी मुख्यमंत्री बनी थी ना 98-99 में, तो दिल्ली में 10वीं क्लास में केवल 35% के करीब बच्चे पास हुआ करते थे, 35-36% के करीब बच्चे पास हुआ करते थे, इतना बुरा हाल था दिल्ली सरकार के स्कूलों का। 2009-10 आते आते दिल्ली सरकार ने 10वीं क्लास के पास को, आप विश्वास नहीं करेंगे, 90% कर दिया था। 90% किसी ने ढिंढोरा पीटा, किसी विशेषज्ञ ने, किसी बुद्धिजीवी ने छलांगे मारी, किसी ने कहा कि नहीं साहब उस समय तो कोई आतिशी मार्लिन भी नहीं थी, कोई सिसोदिया भी नहीं थे, कहां से इतना अभूतपूर्व विकास हो गया। उसके बाद भारत सरकार ने एक नई नीति लाई कि 10वीं में साहब इम्तहान नहीं होंगे, तो चलो वो 5-6 साल का मैं आपको ब्यौरा नहीं देता हूं, क्योंकि इम्तहान ही नहीं होते थे 10वीं के। फिर केजरीवाल के अंदर फिर इम्तहान चालू हुए, याद रखिएगा शीला जी के समय 35% से 90% बच्चों का पास पहुंचा था, आज क्या है
आज 70% पर आकर गिर गया है। कभी आपने केजरीवाल को, मार्लिन मैडम को, सिसोदिया जी को, दिल्ली सरकार को दसवीं क्लास की बात करते सुना है? नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा फ्रॉड दसवीं क्लास में निकल कर आता है। अगर बजट दुगनी हो गई थी, अगर सारे बच्चे खुश हैं, अगर प्राइवेट से छोड़ छोड़ के सरकारी अस्पताल में आ रहे हैं, अगर टीचरों की ट्रेनिंग बढ़ गई है, अगर लाखों करोड़ों खर्च हो रहा है, तो बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सत्यानाश हो गया है शिक्षा की व्यवस्था का। ना बारहवीं में आप कुछ कर पाए और दसवीं में तो आपने कमर तोड़ दी है दिल्ली के बच्चों की। मेरा आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने, केजरीवाल ने, सिसोदिया ने, उन्हें मिलकर दिल्ली की शिक्षा का सर्वनाश किया है। अगले अध्याय में दिल्ली के स्कूल क्या बने, कमरे क्या बने, क्या मेकअप हुआ, क्या नहीं हुआ, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।